स्मार्टफोन मिलकर बहुत खुशी हो रही है बिकॉज मेरे पेरेंट्स बाहर जॉब करते हैं एंड मुझे घर में मोबाइल अलाउ नहीं था, पैसे की वजह से प्रॉब्लम थी एंड मुझे मोबाइल मिला, दैट्स मुझे बहुत खुशी है इस वजह से। और इससे मैं ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकती हूँ और SSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसकी वजह से इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी मुझे। आपको मैं सोशल वर्कर भी हूँ और एक राजनेता भी हूँ। और जैसा कि आज सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ रामादीन गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रबंधक सूरज कुमार सिंह जी को और प्रिंसिपल मैम को, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। आज जैसा कि योगी सरकार ने बहुत सारे स्मार्टफोन देने का वादा किया था, उसी के तहत यहाँ पे आज बच्चों को बांटा गया है। मैं ये इस चीज़ की प्रशंसा करता हूँ कि सरकार का एक अच्छा एक पहल है, जिसमें कि आज जो बच्चे बहुत सारे, आप देखते हो कि अभी कोविड काल में बहुत सारे अभी स्कूल्स बंद हो गए थे, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, जिसके लिए उनको अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें उठानी पड़ी। तो ये एक अच्छी पहल है जिसकी मैं भी प्रशंसा करता हूँ और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो जहाँ पर मैं जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जितने भी हमारे बहनें बैठी हैं, इनके एक अच्छा भविष्य हो, उज्जवल भविष्य हो। और जैसा कि स्मार्टफोन बहुत तरीके से काम करेगा, जैसे कि सरकार ने वादा किया था इसने पूरा किया है, तो मैं चाहता हूं कि हाँ, इस तरह की पहल होनी चाहिए और प्रदेश में बदलाव होना चाहिए। शिक्षा को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा को लेके देखिए क्या होता है कि अगर हमारे बच्चे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि इस देश का जो भविष्य है वो युवा है, तो युवा जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे कि आज शिक्षा का मॉडल आप देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आज शिक्षा को लेकर आज पहल करी है। जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली में शिक्षा का मॉडल चलता है अरविंद केजरीवाल की सरकार का। आप देखिए, हमने अपने बजट का जितना भी होता है सबसे ज़्यादा हम शिक्षा पे खर्च करते हैं। तो मैं एक पहल करता हूँ, पंजाब में भी हमने शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जोर किया है, इस बार जो हमारी पंजाब में भी एक बार सरकार बनी है। तो शिक्षा को लेके जो सरकारें हैं वो चिंतित हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो वो करें, जो बोले उसको वो पूरा भी करें। सर, एक क्वेश्चन राजनीति के आप। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो एक एजुकेशन को लेके है, तो यहाँ पे हम राजनीति की बात ना करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि जैसे महंगाई की आप बात कर रहे हो, आज पेट्रोल डीजल का आप दाम खुद देख रहे हो कितना छू रहा है। ये सरकार जब आती है तो कहती है कि बहुत हुआ महंगाई पर अत्याचार, इधर फलाने की सरकार, और जनता उस विश्वास पे इनको सत्ता मिला के देती है। लेकिन फिर आज आप देखो कि आज महंगाई किस तरह से बढ़ने लगी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जनता है उसको जब वोट देने जाती है तो इसको सोचना चाहिए कि कौन। एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है, जो गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र नहीं लैपटॉप ले पाते थे उनके लिए ये योगी और मोदी सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया निहायत सराहनीय है। और राष्ट्रहित के काम जो योगी जी और मोदी जी द्वारा किए जा रहे हैं, देश की जनता, प्रदेश की जनता, क्षेत्र की जनता उनको बहुत ही मान सम्मान से देखती है और उनसे उम्मीदें करती है, आशा है कि एक राष्ट्र को ऊंचाई की ओर ले जाएंगे। सर, और क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षा के क्षेत्र में सदैव भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे कार्य किए हैं, चाहे ओम प्रकाश सिंह जी जब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे उस समय उन्होंने एडमिशन का एक डेट तय की कि 31 जुलाई तक होगा, नहीं नवंबर तक, जब तक हाफ ईयर एग्जाम नहीं होते थे तब तक एग्जाम हुआ करते थे। उसके बाद नकल अध्यादेश लाए, वो भी एक छात्रों के लिए सराहनीय कार्य था। और शिक्षा के क्षेत्र में और राजहित के काम में जो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है निश्चित ही सराहनीय है, और क्षेत्र की जनता इसी से बार बार उनको जन समर्थन दे रही है, हम भी उनके आभारी हैं, हम भी उनके समर्थक हैं, प्रशंसक हैं। सर, कितने बच्चों को जो है आपने स्मार्टफोन दिए? 178 बच्चों को जो है सरकार द्वारा लैपटॉप वितरित किए गए। मैं पुनः योगी जी को और उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि इसी प्रकार से वो अच्छे कार्य करते रहें और दीर्घायु हो। चाह रहे
हैं और आम आदमी यूनिवर्सिटी के कॉलेज। आज 11 अप्रैल को हम लोगों ने स्मार्टफोन और टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन का आज पूरे उत्तर प्रदेश में 11 अप्रैल को ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हमारे बच्चे इससे जो है लाभान्वित हो, इसकी जो है मुझे बहुत ही खुशी है, क्योंकि कोविड काल में हमने ये देखा कि ऑनलाइन क्लासेस जब चलती थी तो काफ़ी हमारे यहाँ जो कॉलेज के बच्चे हैं, बहुत बच्चे जो हैं निर्धन परिवार से हैं, तो उनके पास में जो है स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, तो उनको उनकी ये प्रॉब्लम आती थी कि इस तरीके हम कैसे क्लास जो है ऑनलाइन क्लास कैसे अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो बच्चों का जो है बहुत नुकसान हुआ, और जो है बच्चों ने जो परीक्षाएं हुई वो उस हिसाब से वो अंक नहीं ला सके। तो ये योगी और मोदी सरकार की जो योजना ये स्मार्टफोन और टैबलेट देने की थी, उसका जो है मैं बहुत ही सराहना करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है और योगी सरकार, मोदी सरकार खाली कागजी जो है कार्रवाई नहीं करती है, जो भी योजनाएं चल रही है उन पर अमल भी करती है। और जो है मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से जो है सरकार हमारा सहयोग करे, हमारे